बकरी में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो, मैं अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासी विवाद खड़ा हो गया। दरअसल पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। इस पर उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस अध्यक्ष का आंतरिक चुनाव तो निपट जाए। इसके बाद वो बोले कि हमारे यहाँ एक कहावत है, बकरीद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। आप भी सुनिए उनका पूरा बयान, क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। देखो पहले तो मेरा संगठन चुनाव इसमें आया हूँ, हमारे में कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरी में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो, मैं अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। खड़गे के इस बयान पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने उन पर मुसलमानों का अपमान करने का आरोप लगाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के प्रॉक्सी प्रेसिडेंट के सबसे प्रबल दावेदार है, उनसे जब प्रेस वार्ता में पूछा गया कि 2024 में कांग्रेस का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तब उन्होंने कहा कि बकरी ईद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। ये बेहद आपत्तिजनक बयान है। मुहर्रम एक मातम का, एक शोक का महीना है, मॉर्निंग का मंथ है, इसमें नाचना गाना नहीं होता, और ये मुसलमानों की भावना को आहत करने वाला एक बेहद गंभीर और असंवेदनशील बयान है। कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण तो देनी ही चाहिए, परंतु इस बयान का एक और इम्पोर्ट भी है, इस बयान का एक और निष्कर्ष भी है। जिस प्रकार से उन्होंने बातें रखी हैं, इससे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को उनकी मंशा भी समझ लेनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी की जो दयनीय स्थिति आज बन चुकी है देश में, उसका भी वो विवरण कर रहे हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अपने लिए समर्थन मांगने भोपाल पहुंचे थे, तभी उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब हर तरफ उनके इस बयान की चर्चा होने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दो उम्मीदवार मैदान में हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, और इसके लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि चुनाव के नतीजों का ऐलान 19 अक्टूबर को किया जाएगा।